वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम टाटा मोटर स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो टाटा मोटर स्टॉक के यहाँ पे फंडामेंटली नंबर चेक करेंगे जो इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे कि मार्केट कैप देखोगे तो 1,68,000 करोड़ के ऊपर है मार्केट कैप, और यहाँ पे करंट प्राइस जो चालू है 471 है। फ्राइडे के दिन गिरावट हो चुकी थी 2% से ज़्यादा, यानी कि पी रेशियो नहीं दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू 134 का है। डिविडेंड ऑफर नहीं करता है टाटा मोटर स्टॉक। आरओसी देखोगे तो 1.40% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी -22 है। फेस वैल्यू ₹2 का है। तो कंपनी को टोटल जो लोन है 1,46,000 करोड़ के ऊपर है। नेट प्रॉफिट देख सकते हो कि 11,000 करोड़ का लॉस होता हुआ नजर आ चुका है कंपनी को। ईपीएस भी देखोगे तो माइनस में ही है। सेल्स कंपनी के 2,83,000 करोड़ के थे, और टोटल एसेट जो है 3,29,000 करोड़ के टोटल एसेट्स है। प्रोमोट होल्डिंग देख सकते 46% मीडियम है, उसमें हल्के से शेयर्स प्लेज भी है। एक साल में 66% का रिटर्न भी दे चुका है टाटा मोटर स्टॉक। तो टाटा मोटर स्टॉक के इन्वेस्टमेंट करने के लिए देख सकते एक भी इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट नहीं है, पर नेगेटिव पॉइंट देख सकते यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट 4 है। जैसे कि स्टॉक यहाँ पे 3.51 टाइम बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेडिंग करा जो कि हाई है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी जो है वो बहुत ही लो है। कंपनी ने पोर सेल्स ग्रोथ दिया है पिछले 5 सालों में, और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी पिछले 3 सालों से माइनस में ही है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट टाटा मोटर स्टॉक के लिए।